जम्मू में एलओसी के पास जवान तेज बहादुर यादव का वीडियो वायरल होने के बाद बीएसएफ से लेकर सरकार हरकत में है। बीएसएफ का कहना है मामले की जांच जारी है, जवानों के लिए राशन की कोई कमी नहीं है, खाना ठीक नहीं हो सकता है, टेस्ट में प्रॉब्लम आ सकती है, लेकिन अभी तक किसी ने शिकायत नहीं की। बीएसएफ के आईजी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा अगले 5 से 6 दिन में बीएसएफ में खाने को लेकर की गई शिकायत की रिपोर्ट आ जाएगी, इसमें अगर कोई कमी पाई जाती है तो सख्त एक्शन लिया जाएगा। इसके अलावा बीएसएफ ने तेज बहादुर के सर्विस रिकॉर्ड को लेकर सवाल उठाए, कह रही है बीएसएफ के तेज बहादुर अपने वरिष्ठ अधिकारियों से मारपीट तक कर चुका है। 2010 में उसका कोर्ट मार्शल करने का भी फैसला लिया गया था, लेकिन उसके परिवार को देखते हुए ये फैसला वापस लिया गया। पूरे मामले पर गृह मंत्रालय ने बीएसएफ से रिपोर्ट मांगी है। दरअसल आप देखिए तेज बहादुर का किस तरीके से जो वीडियो वायरल होता है जिसमें उन्होंने अपनी व्यथा पीड़ा बताई थी, जिसको लेकर पूरे ट्विटर सोशल मीडिया फेसबुक हर जगह ये वीडियो ट्रेंड हुआ, किस तरीके से घूसखोरी होती है, दलाली होती है। हालांकि वीडियो में ये बताया जा रहा है इस जवान द्वारा कि सरकार तो भेजती है लेकिन बीच के अधिकारी खा जाते हैं पैसा और उनकी सुविधा का साजो सामान से जुड़ी चीजें वो अपने पास रख लेते हैं, तो ऐसा खाना मिलता है। तो तेज बहादुर ने इस तरीके की वीडियो जारी की। हालांकि बीच की खबर जो सामने निकल कर आ रही है सूत्रों के हवाले से वो ये है कि तेज बहादुर का दूसरी यूनिट में ट्रांसफर कर दिया गया है और मेस कमांडर को छुट्टी पर भेज दिया गया है। जो भी हमें राशन मिलता है वो सेम है जो आर्मी को मिलता है, उसकी क्वांटिटी और क्वालिटी में कोई कमी नहीं है। फ्रेश और ड्राई राशन बहुत ही बढ़िया क्वालिटी का है। कुछ एक पोस्ट हमारी हैं जहां पे विंटर राशन सर्दी में लागू हो जाता है। ये जो जवान जहां पर है तैनात वो पोस्ट भी 1 जनवरी से विंटर राशन के अंडर आ गई है, तो हो सकता है कि उस वजह से दिक्कत कुछ आई हो। विंटर स्टॉकिंग में फ्रेश राशन नहीं होता, उसमें टिंड राशन रहता है, तो इस वजह से हो सकता है कि कुछ उसने कमी पाई हो। वहीं बीएसएफ जवान के वायरल हुए वीडियो को लेकर बयानबाजी तेज है। आपको सुनाते हैं कांग्रेस जेडीयू का इस पर क्या कहना है। बहुत टफ ड्यूटी होती है, ये सिर्फ दिल्ली में खड़े हुए किसी वीआईपी के घर के बाहर की ड्यूटी नहीं है, क्योंकि मुस्तैदी करनी पड़ती है। कभी भी सामने से घुसपैठी आ सकते हैं, स्मगलर आ सकते हैं, लोगों का वहां बदमाशी हो सकती है। हम सब जानते हैं कि बॉर्डर पर बहुत सी चीजें होती, ऐसे में सामान्य जो उनका देखभाल है वो भी ना करें तो मैं तो आशा करूंगा कि सरकार इस पर इंक्वायरी करे। अगर वहां कोई विशेष स्थानीय गड़बड़ी है तो उसको ठीक करें, और अगर कोई नीति के स्तर पर या बीएसएफ के काम के स्तर पर ऐसा लग रहा है कि हमारे सिपाहियों का ध्यान नहीं दिया रहा है तो तुरंत उसको बदलकर एक ऐसी व्यवस्था लाए जिसमें इस तरह की दिक्कतें जो हैं हमारे सिपाहियों को ना हो। अब बीएसएफ जवान ने इस मामले को सार्वजनिक किया है और सरकार विवश है कि उस पर कोई एक्शन ले। ये बीएसएफ के और जो अनुशासन के रूल्स होते हैं उसके हिसाब से शायद ना हो, पर ये असल मुद्दा ये है कि इस तरह का खाना, इस तरह घटिया खाना कैसे हमारे जवानों को दिया जा रहा है।